हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे ये वाला नेक डिज़ाइन बनाना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस गले को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक फ्यूज़ पेपर को इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और एक राउंड नेक ड्रॉ करेंगे। मैं 3.5 इंच चौड़ा और 7.5 इंच लंबा राउंड नेक ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्यूज़ पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप चिपकाने वाली बुकरम या नॉर्मल बुकरम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इस राउंड नेक को कट कर देंगे। अब हम इसको कपड़े के ऊपर चिपका देंगे प्रेस की हेल्प से और साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा ट्रिम कर देंगे। ये देखिए, डिजाइनिंग के लिए हमने कुछ कलरफुल स्ट्रिप्स काट के रखी हैं कपड़े की, जो कि तकरीबन 1.2 इंच चौड़ी हैं। और इसी कलर के हमने ये स्क्वायर के पीसेस भी काट के रख लिए हैं, जो कि 3 इंच बाय 3 इंच के हैं। मैंने हर रंग के 9 स्क्वायर काट लिए हैं। अब हम एक और फ्यूज पेपर का टुकड़ा कट करेंगे, जो कि 13.5 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा है। अब इस टुकड़े को भी हम वाइट कपड़े के साथ चिपका लेंगे प्रेस की हेल्प से। ये देखिए, इसको इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर में हमने क्रीज बना ली है और इसके ऊपर सेंटर में हम इस तरीके से ये स्ट्रिप प्लेस करेंगे बिल्कुल सेंटर में, और इसके ऊपर ही हमने ये ग्रीन वाली स्ट्रिप भी प्लेस करी है और इस पे बिल्कुल साथ साथ यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब हम दूसरे कलर की स्ट्रिप को भी इसी तरीके से अटैच करेंगे। यहां पर हम ब्लू स्ट्रिप को अटैच करेंगे। ये देखिए, अब हम इसको साइड से फोल्ड कर देंगे इस तरीके से और सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हमने सेंटर पैनल तैयार कर लिया है। अब हम ये स्क्वायर पीसेस जो हमने 3 रंग के काटे थे, इनको यूज करके ट्रायंगुलर शेप्स बनाएंगे डिजाइनिंग के लिए। हम हर एक स्क्वायर पीस को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक ट्रायंगुलर शेप बनाएंगे। इसी तरीके से हम ये ऑरेंज वाले स्क्वायर को भी फोल्ड करेंगे इस तरीके से और एक ट्रायंगुलर शेप बनाएंगे, और सेम तरीके से हम ग्रीन कलर के पीस को भी फोल्ड करेंगे। इस तरीके से, और ये एक और ट्रायंगुलर शेप हमने बनाई है। अब हम इन शेप्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। और इसके यहां पे सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा ये कट कर देंगे और ये देखिए, हमारा एक मोटिफ तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी स्क्वायर्स को भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने सेम टेक्निक को यूज करके बाकी के ट्रायंगल्स भी बना लिए हैं। टोटल हमने 9 ट्रायंगल्स तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको इस सेंटर पैनल के ऊपर लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, हमें इनको उल्टा करके रखना है और सिलाई लगाते जाना है।
बराबर दूरी पे हमें इनको रखना है और सिलते जाएंगे। ये वाला ट्रायंगल हमें बिल्कुल सेंटर में रखना है जो कि सबसे नीचे आ रहा है। और दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम सारे के सारे ट्रायंगुलर पीसेस को स्टिच कर देंगे। अब हम इसको इस तरीके से खोल के प्रेस करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम सारे ट्रायंगल्स को खोल के प्रेस कर देंगे अच्छे से। ये हमारा पैनल रेडी हो चुका है। अब हम इसको कमीज के ऊपर अटैच करेंगे। अब हम इस पैनल को कुर्ती के सेंटर में अटैच करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे और जो हमारा पैनल है उसको 7 इंच के ऊपर ही हमने रखना है। बिल्कुल सेंटर में हमने इसको रखना है और इसको अच्छे से स्टिच कर देना है। अब हम ये राउंड नेक भी तैयार कर लेते हैं। कपड़े को हम फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और गले का सेंटर पॉइंट मार्क करके गले को कुर्ती के ऊपर प्लेस करेंगे और इस तरीके से जैसे हम नॉर्मल राउंड नेक बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसको बनाना है। अब इसको कट करके सेंटर में नॉचेस लगाएंगे। और इसको फोल्ड करके यहाँ पे कच्चा टांका हम लगाएंगे और बाद में हम इसको तुरपाई करके उधेड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरे सब्सक्राइब के बटन के साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।